News 18, India. आज का दिन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर से दिल्ली को कूच करने की पुरजोर कोशिश किसान आंदोलनकारी नेताओं की तरफ से हो रही है और दूसरी तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो भी मसला है वो बातचीत से हल करवा दिया जाए। अभी कुछ देर पहले शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। सरवन सिंह बंधेर को इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने अपने चेहरे पर देखिए मास्क लगाया हुआ है। आंसू गैस से बचने का ये मास्क है और सिर्फ मास्क ही तैयारी नहीं है, पोकलेन, जेसीबी मशीनें, बख्तरबंद गाड़ियां, ये सब की सब जो है अब दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच कर रही है। और ऐसे में हरियाणा के कमिश्नर ने, माफ कीजिएगा, डीजीपी ने बकायदा पंजाब के पुलिस आला अधिकारियों को एक खत लिखा है और ये कहा है कि आप इन तमाम बड़ी मशीनों को, बड़ी व्हीकल्स को, अर्थ मूविंग व्हीकल्स जिन्हें कहा जाता है, उनको रोक दीजिए। उधर पंजाब हरियाणा कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि अगर जाना है, अगर आंदोलन करना है तो प्रभु बस में सवार हो जाइए ना, बस में सवार होइए और दिल्ली चले जाइए। लेकिन बड़े बड़े ये हैवी अर्थ मूविंग व्हीकल्स लेकर जाने के पीछे का मसला क्या है समझ नहीं आता है। अब सवाल यह है कि ये घमासान कब तक रहने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से चौथे राउंड की, पांचवें राउंड की बैठक को हरी झंडी मिल गई है। पंकज कपाही शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, मेरे सहयोगी मानव भी वहां शंभू बॉर्डर पर मौजूद है और मेरे दो साथी इस वक्त वहां इसलिए मौजूद है क्योंकि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अगर इस वक्त कोई बॉर्डर है तो वो शंभू बॉर्डर है। सारे किसान नेता वहीं पर मौजूद है। सीधा रुख करते हैं पंकज का। पंकज, बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी आप न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को दे रहे हैं, वो ये है कि सरकार आज किसानों से बातचीत कर सकती है और ये पांचवी मर्तबा होगा। पंकज, मैं एक सेकंड आपका रुक कर रही हूं, मानव भी वहीं पर मौजूद है। मानव, क्या आप न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को एक बार तस्वीरें दिखा सकते हैं और ये आंसू गैस के गोले अगर दागे गए तो क्या हो रहा था कि पुलिस को ये एक्शन लेना पड़ा? जी आप बिल्कुल देखिए, किसानों ने यह कहा कि 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे और उसी दौरान हमने यहाँ पर देखा कि किसानों ने आगे बढ़ने की जब कोशिश की तो उसके बाद हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए। किसान नेताओं की तरफ से यह कहा गया है कि हम आगे कूच नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा, बाकी जो वॉलंटियर थे वो आगे कूच नहीं करेंगे, किसान लीडर भी आगे कूच करेंगे। और इसी बीच खबर ये आई है कि चंडीगढ़ में आज देर शाम किसान नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों की दोबारा पांचवी बैठक आज शाम को हो सकती है, ये एक जानकारी अभी मिल रही है। हालांकि किसान नेताओं का इस पर यह कहना है कि अभी ऑफिशियली हमें इन्विटेशन नहीं आया है, ये खबर मीडिया के थ्रू ही उनके पास तक पहुंची है। तो अगर बातचीत होती है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं वो इंतजाम चाहे हरियाणा पुलिस के हों चाहे किसानों के हों, वो तस्वीरें किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। हाँ। और उस बात की तस्दीक कहीं ना कहीं आपका हाईकोर्ट भी दे चुका है कि मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है इस तरीके से भारी मशीन। देखिए, हम सिर्फ आपकी आंखों के जरिए वहां के हालात को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी इस वक्त मानव क्या देख पा रहे हैं जरा न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को आप बता पाए, क्योंकि आप शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, वहीं पर इस वक्त आंसू गैस के गोले भी दागे गए। बिल्कुल युगल, कैमरा पूरा खोल दीजिएगा, फुल फ्रेम करके दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर जो किसानों की तादाद है वहीं कहीं पर भी पैर रखने की जगह यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देती। बीते 9 दिन में सबसे ज्यादा भीड़ मैं आज यहाँ पर देख पा रहा हूँ और ये वो हिस्सा है जहाँ पर हरियाणा पंजाब की सीमाएं आपस में टकराती हैं, शंभू टोल प्लाजा जिसे कहते हैं, शंभू बॉर्डर जिसे कहते हैं, जहाँ से घग्गर नदी गुजरती है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो कहीं दूर जाकर आपको हरियाणा पुलिस की एक झलक दिखाई देती है और हरियाणा पुलिस ने पूरे एक किले के तौर पर उस दो पुल जो घग्गर नदी के ऊपर बने हुए हैं उसको किले के रूप में तब्दील कर दिया है। दूर दूर तक सिर्फ किसान ही किसान दिखाई दे रहे हैं। करीब 6 से 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टर ट्रालियों का काफिला है और उस काफिले में जो ट्रॉलियां हैं वो यहाँ पर 7 दिन से यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन आज सुबह उनको संदेश दिया गया कि आप ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पैक कर लीजिए क्योंकि अब दिल्ली कूच करने का समय आ गया है। हालांकि एक बड़ी बात यह भी है कि किसान नेता जब सुबह यहाँ पर युवाओं को खासतौर से संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। बाकायदा किसानों को यहाँ पर कसमें दिलवाई गई हैं, उन्हें शपथ दिलवाई गई है कि हम नहीं चाहते कि हम जब अपनी जिम्मेदारी पर आपको अपने घर से लेकर आए हैं तो किसी भी घर का कोई चिराग बुझे, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये भी कहा गया कि हम नहीं चाहते कोई हिंसा यहाँ पर हो, तो शपथ दिलाई गई, कसमें खिलाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसानों ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो हाँ। उधर से रिटेलिएट किया हरियाणा पुलिस ने और उधर से हम आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने कई किलोमीटर लंबा बैरिकेडिंग की यहाँ पर की हुई है, लंबी बैरिकेडिंग की हुई है,
बड़ी बड़ी एक तरीके की कीलें सड़क पर गाड़ी हुई है और बहुत मुश्किल है किसानों का यहाँ से आगे बढ़ पाना। तो ऐसे में संभवतः मुझे लगता है कि किसान भी बातचीत का रास्ता ही अपनाना चाहेंगे, वो बातचीत जो पांचवें दौर की आज शाम को चंडीगढ़ में हो सकती है। मानव, हम वो तस्वीरें देख पा रहे हैं, आपने पूरी फ्रेम जो है वो ओपन की और उसके बाद न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को देखा कि जहां तक नजर पड़ रही है नरमुंड नजर आ रहे हैं, किसानों के जो काफिले हैं वो वहां पर नजर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि यहाँ कस्में और वादे दिलाने के बावजूद कौन कौन से लीडर्स वहां पर किसान आंदोलनकारी मौजूद हैं और क्या बातचीत हो रही है, वो क्या बता रहे हैं और जो वो बता रहे हैं वो ग्राउंड पर इन बाकी आंदोलनकारियों तक पहुंच पा रहा है कि इनका प्लान कुछ अलहदा है और वो कुछ और ही सोच रहे हैं। बिल्कुल रूबिका, बहुत बड़ा सवाल, अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि आप याद करिए 2 साल पहले का वो दौर जब हमने तमाम बॉर्डर पर हिंसा देखी थी, लेकिन तुलना करते हैं तो इस बॉर्डर पर जिस तरीके से दोनों नेताओं ने, चाहे वो सरवन सिंह पंडेर हो या जगजीत सिंह डलेवाल हो, दोनों ने ही काफी अच्छे तरीके से पूरा मैनेज किया है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल जब होती है, जब युवा आक्रोशित होता है तो उसको अगर उनकी गतिविधियों को देखें तो बीते 4 से 5 दिन से लगातार यहाँ पर खास तौर से युवाओं को संबोधित किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी एक तरीके से आक्रोशित होकर आगे नहीं बढ़ना है और आप आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम आपके आगे चलेंगे। तो यह संबोधन बकायदा मीडिया के कैमरे के सामने पंडेर और डलेवाल ने यहां पर दिया है। मैं समझ गई, पूरी कोशिश है कि वो 2 साल पहले की जो घटना थी और जो हम सब ने देखा था, हमारे सर जो है वो शर्म से झुक गए थे कि लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा जहां लहराता है वहां पर किसी और मजहब का झंडा लहराया गया था, हिंसा हो उठी थी उस दिन को शायद कोई याद नहीं करना चाहेगा और इसीलिए उससे सबक लेते हुए ये तमाम किसान नेता ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को कोई असुविधा ना हो। अब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जहां आप मौजूद हैं उसके आगे क्या इस वक्त है और वो तमाम लीडर्स जो किसान लीडर्स है वो कहां पर मौजूद है। बारी बारी से रूबिका अपने दर्शकों को समझाते हैं कि कहां क्या क्या कुछ हो रहा है। देखिए, जब कैमरा सामने की तरफ जाता है, युगल थोड़ा सामने की तरफ दिखाइएगा, तो यहाँ पर आपको जैसे टोल बूथ पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं वैसे बोर्ड दिखाई पड़ेंगे और इसी बोर्ड के पीछे हरियाणा पुलिस बैठी हुई है। तकरीबन यहाँ से 400 मीटर की दूरी है और बीच में बैठे हुए हैं किसान नेता, जहाँ पर उनकी एक गाड़ी है और उस 4-व्हीलर कार के ऊपर बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं जिससे वो यहाँ पर संबोधन दे रहे हैं। और अगर मेरे दाई तरफ हम देखें तो यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी हुई है, मीडिया की गाड़ियाँ खड़ी हुई है। एम्बुलेंस में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ रूबिका कि बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर लाए गए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि 13 तारीख को जो हिंसा हुई थी तो तब लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट की यहाँ पर जरूरत पड़ी थी। अब ये वो हिस्सा है जहाँ पर हम पंजाब की ओर बढ़ते हैं और ये पूरा काफिला करीब 7 किलोमीटर लंबा है। थोड़ा मुश्किल यहाँ पर युगल को होगी कैमरा पैन करने में, क्योंकि वो भी अपने लिए बड़ी मुश्किल से जगह यहाँ पर बनाकर ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं और एक जिम्मेदार न्यूज नेटवर्क होने के नाते हम हर पक्ष की खबर दिखा रहे हैं और खबर क्या, ये वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से एक आंदोलन खड़ा होता है, सरकार के साथ आपकी बातचीत होती है और बातचीत के बीच एक आंदोलन उग्र होने के मुहाने पर पहुंच जाता है। सरकार अपील करती है लगातार कि बातचीत करिए, किसान नेता भी अपील करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कड़ी मशक्कत उन किसान नेताओं को करनी पड़ रही है जो इस पूरी भीड़ को लीड कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बात दोनों ओर से कही गई है कि इस भीड़ का फायदा कुछ ऐसे लोग भी उठा रहे हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं। और ये बात किसान नेता पंडेर खुद कहते हैं, डलेवाल खुद कहते हैं कि माहौल खराब हो सकता है, तो ऐसे में अगर कोई ऐसा उपद्रव भी आपको दिखाई देता है तो उसको हमारे पास लेके आइए। लेकिन ये तस्वीर हैरान इसलिए करती है क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि बातचीत करिए और बातचीत का निर्णय आता है उससे पहले ही। कल आपने भी बहुत सी तस्वीरें, बहुत सारे विजुअल भेजे थे हमारे न्यूज 18 इंडिया के बाकी तमाम रिपोर्टर्स ने जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, बहुत सारी तस्वीरें और विजुअल्स भेजे थे। एक तस्वीर थी कि बख्तरबंद गाड़ी में ट्रक को कन्वर्ट कर दिया गया था, बहुत सारी पोकलेन और जेसीबी मशीनें जो हैं वो कूच कर रही थी। क्या इस वक्त वैसा कुछ माहौल वहां पर नजर आ रहा है या फिर पुलिस कामयाब रही है उनको 1 किलोमीटर पहले ही रोक देने में? और रूबिका, देखिए, अगर पुलिस की बात करें तो मुझे लगता है कि पंजाब पुलिस को थोड़ा पहले एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि जब गृह मंत्रालय की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को कहा गया उसके बाद देर रात ये आदेश यहाँ पर दिया गया, ये निर्देश यहाँ पर दिए गए कि पोकलेन जेसीबी इस तरीके की मशीनों को यहाँ पर ना पहुँचने दिया जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। करीब 4 पोकलेन और जेसीबी मशीन शाम को 6:30 बजे तक यहाँ पर पहुँच चुकी थी। मैं वहाँ पर मौजूद था, हमारी टीम वहाँ पर मौजूद थी और वो जो पोकलेन है वो पूरे तरीके से लोहे की मोटी मोटी शीट से उनको कवर किया गया है, उनके टायर्स को कवर किया गया है कि अगर
किसी भी तरीके से पुलिस उन टायर्स को बस्ट करने की कोशिश करती है तो उन शीट्स के जरिए उन पोकलेन्स को जेसीबी को बचाया जा सके। और इस वक्त एक बड़ी खबर बता देना चाहती हूँ मैं, मानव बने रहिएगा हमारे साथ। अर्जुन मुंडा जो कि कृषि मंत्री हैं, क्या कह रहे हैं उन्होंने अभी 11:12 पर एक ट्वीट किया है। वो लिख रहे हैं कि सरकार चौथे दौर के बाद पांचवे दौर में सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं, हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। अब से कुछ देर पहले अर्जुन मुंडा जो कि कृषि मंत्री हैं, किसानों को अब बातचीत का न्योता एक्स के जरिए यानी ट्विटर के जरिए दिया है। मैं आपको शब्दशः पढ़ के सुना रही हूं उनका जो ट्वीट है। उन्होंने लिखा है, सरकार चौथे दौर के बाद पांचवे दौर के सभी मुद्दों जैसे कि एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत को तैयार है। मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं, हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। मानव, ये तो आधिकारिक हो गया, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जब एक्स के जरिए कहते हैं कि मैं पांचवे दौर के लिए आपको आमंत्रित करता हूं, तो पंधेर और दल्लेवाल तक ये बात पक्का पहुंची होगी कि पांचवे दौर के लिए आमंत्रण आया है। अब सवाल ये है कि वो स्वीकार करते हैं कि दिल्ली कूच करते हैं। बिल्कुल, देखिए रूबिका, जब किसान नेताओं से हमारी बातचीत हुई थी तो मैं जो अपनी बातचीत के आधार पर ये जरूर कह सकता हूं कि वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि किसान बातचीत नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो हिंसा हुई थी, जिम्मेदार कौन होगा। तो उन्होंने सरकार को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अर्जुन मुंडा उनके ट्वीट से, एक्स पर जो उन्होंने लिखा है, उससे आप समझिए कि सरकार किस स्तर पर आगे जाकर किसानों से बातचीत करना चाहती है। और किसान बिल्कुल भी झुक नहीं रही है, लेकिन सामने जब बैठी हुई है तो बातचीत करना भी चाहती है, वो किसानों की समस्याओं को सुनना भी चाहती है। और तो मानव, जाहिर तौर पर यहाँ पर मैं न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि सबसे पहले खबर हमने दी थी और अब उस खबर पर मुहर लगा दी है। खुद ट्विटर पर आकर कृषि मंत्री बातचीत का जब यहाँ पर न्योता देते हैं पांचवे दौर की किसानों को, सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने अपने दर्शकों को ये जानकारी दी थी कि आज पांचवे दौर पर बातचीत हो सकती है। रवि सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रवि, न्यूज 18 इंडिया वो पहला चैनल था जिसने सबसे पहले अपने दर्शकों को जानकारी दी थी, क्योंकि हर कोई ये सोच रहा था कि 11 बजे कूच करने वाले हैं किसान, और ऐसे में सरकार की तरफ से निमंत्रण, और अब उस खबर पर मोहर लग गई है। रवि, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है कि नहीं? मंत्री की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो चौथे दौर की बैठक हुई है जिसमें तीन मंत्री लगातार चंडीगढ़ में जाकर किसान नेताओं के साथ में लगातार बैठक कर रहे थे और कई मांगों को केंद्र सरकार की तरफ से मान भी लिया गया है, अब पांचवे दौर की बैठक के लिए केंद्र सरकार तैयार है। यानी कि केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि हम बातचीत के आधार पर जो भी किसान नेताओं की मांग है या किसानों की मांग है उसको हम गौर फरमाने के लिए तैयार हैं। और एक बार फिर केंद्र सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, न्योता दिया गया है, कई ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर अभी केंद्र सरकार की तरफ से सहमति नहीं बनी थी, उस पर भी सहमति के लिए केंद्र सरकार तैयार है। तो सरकार पूरी तरीके से पॉजिटिव अपना जेस्चर दिखा रही है। नहीं, अभी पर रवि, दो चीजें बिल्कुल अलहदा है, एक तो सरकार मांग मानने के लिए तैयार है, सहमति के लिए तैयार, और दूसरा नई बातचीत करते हैं, कोई हल जरूर निकलेगा, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, किसान नेताओं को और बार बार यही कहा भी जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं या पॉलिटिकल पार्टियां जो बहका रही हैं ऐसे कुछ किसान नेताओं को और अपनी मांगों को लेकर वहां पर बॉर्डर पर अड़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं किसानों की तरफ से, जिससे कि बैरिकेटिंग को तोड़ा जा सके और दिल्ली में एंट्री किया जा सके। पिछली बार जब बड़ा आंदोलन हुआ था, कई महीने तक चला था, जिसकी वजह से दिल्ली में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई थी दिल्ली और एनसीआर में, और ये सरकार इस बार नहीं चाहती है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को दिक्कतों का सामना। पांचवे दौर की बैठक के लिए इनवाइट भी किया गया। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया, रवि सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो अभी सरकार जो है इस बात पर सहमत नहीं है कि आपने जो मांगे मानी है वो 11 मांगे, 11 सूत्र। और ये देखिए तस्वीरें, देखिए आप, टियर गैस शेलिंग जब हुई थी, यानी आंसू गैस के गोले जब दागे गए थे, क्योंकि
जबरदस्ती बार बार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए आप रुक जाइए, देखिए आप आगे मत बढ़िएगा। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बॉर्डर की तस्वीर है जहां पर रोका गया है किसानों को। भारी बोरे मंगाए गए हैं मिट्टी के, वो वहां पर लगा दिए गए, बिछा दिए गए हैं, गड्ढे बकायदा खोदे गए हैं, बाप वायस का इस्तेमाल किया गया है। और जब किसान नेता नहीं मान रहे थे तो फिर क्या किया, उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए और उसी के बाद वहां पर ये जो आंदोलनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो तितर बितर हुए हैं।